क्या लकी ने कहा कि वो सन मून होटल में पार्टी देगा? उसकी हैसियत भी है उस होटल में घुसने की। दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाले गरीब लड़के लकी का आए दिन कॉलेज में इसी तरह मजाक उड़ाया जाता था। और जब एक दिन लकी ने अपनी फ्रेंड साक्षी से शहर की सबसे बड़ी 5-स्टार होटल में पार्टी देने की बात कही तो हर इंसान उस पर हंस रहा था। यहाँ तक कि लकी की एक्स गर्लफ्रेंड ने भी उसकी जमकर हंसी उड़ाई। लकी एक डिलीवरी बॉय है और उसके साल भर की सैलरी भी वो जोड़ ले तो उस होटल से एक इंसान का खाना भी ना आ पाए। तभी डिंपल ने एक चाल चली। डिंपल ने साक्षी से कहा, साक्षी एक काम कर, तू लकी को बोल कि इस सैटरडे तेरा बर्थडे है और तुझे उससे पार्टी चाहिए सन मून होटल में। डिंपल ने जैसा बताया साक्षी ने ठीक वैसा ही किया। लकी से उस होटल में पार्टी देने को कहा पर लकी डर गया और बहाने मारने लगा। वो साक्षी, इस सैटरडे तो मुझे माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है, सैटरडे तो नहीं हो पाएगा। साक्षी समझ गई कि लकी टाल रहा है तो उसने कहा, तो संडे को चले। लकी अब फंस चुका था और उसके पास हाँ बोलने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। ओके साक्षी, संडे को चलते हैं। लकी ने हाँ तो बोल दिया पर अब समझ नहीं आ रहा था कि उस 5-स्टार होटल में पार्टी के लिए इतने सारे पैसे कैसे लाएगा। सोचते सोचते संडे की शाम आ गई। साक्षी के साथ उसके दोस्त और डिंपल भी सन मून होटल पहुंच गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लकी वहां आएगा पर डिंपल ने सबको लकी का मजाक बनाने के लिए वहां बुलाया था और उसके लकी के साथ ब्रेकअप की खुशी में वो सबको पार्टी देने जा रही थी कि तभी लकी सन मून होटल पहुंच गया। लकी जैसे ही होटल पहुंचा, होटल का सारा स्टाफ लकी के लिए खड़ा हो गया और सल्यूट करने लगा। ये देखकर डिंपल और उसके दोस्त सन्न रह गए। ये होटल स्टाफ लकी को सल्यूट क्यों कर रहे हैं? तभी होटल के एक मैनेजर ने जो कहा उसे सुन सबके होश उड़ गए। लकी साहब ही तो हमारे नए मालिक हैं। इन्होंने कल ही इस होटल को खरीद लिया है। क्या, ये कैसे हो सकता है? आखिर क्या है लकी की असलियत जो कोई भी नहीं जानता? कैसे डिलीवरी बॉय लकी ने खरीदी एक 5-स्टार होटल? क्या लकी है कोई पैसे वाला जो गरीबी का नाटक कर रहा है? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप और सुनिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ऑडियो सीरीज इंस्टा मिलियनेयर हिंदी में।